क्वेश्चन नंबर 28। इफ एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा एंड वाई इक्वल टू बी टेन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें गिवन है एक्स और वाई दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो हम सिंपली इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ए सेक थीटा होल स्क्वायर और वाई है बी टेन थीटा होल स्क्वायर और ये होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और अब हम इसमें चेक करेंगे कि कॉमन क्या है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों ही टर्म में है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट वाले टर्म में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और सेकेंड वाले टर्म में बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। और हमें इसमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है। यहाँ पे दिखा भी देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड आंसर।